जनरली अंडे सफेद कलर के होते हैं और उनमें कोई अजीब सी बात नहीं होती। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे अनोखे और अजीब अंडों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, टीना माउ। आप शायद इस पक्षी को पहली बार देख रहे हैं और दुनिया में कई सारे लोग इस पक्षी के बारे में नहीं जानते। दरअसल इस पक्षी की जीवनी बहुत ही गुप्त होती है। पूरी दुनिया में इस प्रजाति के केवल 47 पक्षी जिंदा हैं। वैसे इन पक्षियों के अंडे भी काफी ज्यादा अजीब होते हैं। वे काफी ब्राइट और कलरफुल होते हैं। मादा पक्षी अंडे देने के बाद वहां से चले जाती हैं और फिर नर पक्षी उन अंडों की देखभाल करता है। इनके अंडे अलग अलग कलर के हो सकते हैं, पर वे आकार के हिसाब से एक मुर्गी के अंडे के बराबर ही होते हैं। नंबर टू, जिम्नोफियोना। यह प्राणी एक कीड़े की तरह दिखता है और इनकी लंबाई सामान्यतः 10 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन इनमें से कुछ प्रजाति की लंबाई बहुत ज्यादा भी हो सकती है। वे एक सांप की तरह दिखाई देते हैं। इनमें से ज्यादातर जाति बेबीज को जन्म देती हैं, लेकिन कुछ अजीब दिखने वाले अंडे भी देती हैं। इनके अंडे आकार में बेहद छोटे होते हैं और पूरी तरह पारदर्शी होते हैं, यहाँ तक कि आप उनके भीतर के बेबीज को पूरी तरह क्लियरली देख सकते हैं। कई बार बेबीज उनके अंदर हिलते हुए और मूवमेंट करते हुए भी दिखाई देते हैं और इन्हें देखने में काफी ज्यादा अजीब लगता है। वैज्ञानिकों को भी इस बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है कि इनके अंडे पूरी तरह पारदर्शी क्यों होते हैं। नंबर थ्री, हॉर्न शार्क्स। शार्क्स के बारे में तो आप में से कई लोग जानते होंगे, पर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि शार्क्स भी अंडे देती हैं। जनरली 70% शार्क्स बेबीज को जन्म देती हैं, लेकिन बची हुई 30% शार्क्स अंडे भी देती हैं। इन शार्क्स के अंडे काफी यूनिक होते हैं। देखने से ऐसा लगता है कि ये कोई गोल गोल सी घूमी हुई चीज है। ये एग्स बाहर से बेहद मजबूत होते हैं ताकि वे अंदर के बेबीज को बाहरी दुनिया से बचा सके। अंडे देने के बाद शार्क्स उन्हें मुंह में पकड़कर किसी दूसरे सुरक्षित जगह पर लेकर जाती है। जब शार्क्स इन अंडों को पहली बार देती है तो वे पूरी तरह सॉफ्ट होते हैं और समय के साथ मजबूत होना शुरू कर देते हैं। पहली नजर से इन्हें देखते ही कोई नहीं कह सकता कि ये अंडे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल समुद्र में दिखने वाले सीपी और कौड़ी की तरह होते हैं। नंबर फोर, येलो हेड जॉफिश। इस दुनिया में लगभग सारी बेबी मछलियों की देखभाल मादा मछली द्वारा ही की जाती है, लेकिन जॉफिश के केस में ये बिल्कुल उल्टा है। जॉफिश 12 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। यहाँ अंडे देने के बाद मादा मछली वहाँ से चली जाती है और फिर नर मछली इन अंडों को अपने मुंह में संभाल कर रखती है। ये उन्हें खाते नहीं, बल्कि तब तक उन्हें अपने मुंह में संभाल कर रखते हैं जब तक कि बेबीज उनमें से बाहर ना आ जाए। नंबर फाइव, ऑक्टोपस। मादा ऑक्टोपस उनकी पूरे जीवन में सिर्फ एक बार ही अंडे देती है। वे अंडे देने के पहले किसी समुद्री शैल या फिर बड़े पत्थरों के नीचे जाती है। फिर वे वहां पर एक छोटा सा घर बनाती है और एक साथ 80,000 अंडे देती है। इनके अंडे अंगूर के गुच्छों की तरह दिखते हैं और हर गुच्छे में कम से कम 20 अंडे होते हैं। मादा ऑक्टोपस पूरे समय इन अंडों के पास ही रहती है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मादा ऑक्टोपस इन अंडों की निगरानी बिना कुछ खाए पिए लगातार तब तक करती है जब तक कि बेबी अंडे में से बाहर ना आ जाए। नंबर सिक्स, जायंट वाटर बग। पानी में पाए जाने वाले ये कीड़े दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। ये 15 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। इन बग्स में मादा कीड़े नर कीड़ों के पीठ पर अंडे देती हैं। आप नर कीड़ों के पीठ पर अंडे क्लियरली देख सकते हैं और नर कीड़ा उनकी निगरानी रखता है। ये अंडे उनके पीठ पर 10 से 15 दिनों के लिए रहते हैं। बेबीज के इन अंडों में से बाहर आ जाने के बाद नर कीड़े का पीठ फिर से पूरी तरह साफ हो जाता है। नंबर सेवन, पैसिफिक व्हाइट स्केट। पैसिफिक व्हाइट स्केट फिश समुद्र में पाए जाने वाले एक यूनिक जीव हैं और उनके अंडे भी पूरी तरह यूनिक होते हैं। इन मछलियों के अंडे एक छोटे से बैग में होते हैं। ये प्राणी समुद्र की गहराई में या फिर ठंडे पानी में अंडे देते हैं। ये छोटे बैग दिखने में काफी अजीब दिखते हैं और उनके ऊपर एक छोटा सा छेद होता है जिसकी मदद से ऑक्सीजन इस बैग के अंदर आ जा सके। वेल, जैसा कि नाम दर्शाता है, पैसिफिक व्हाइट स्केट एग्स प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये थे दुनिया के कुछ अजीब और अनोखे अंडे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन भी दबा दें। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में।